फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे प्लांट शेयर करने वाली हूं जिनकी बहुत ही खूबसूरत सी हैज बन के तैयार होती है। हर तरह के प्लांट हमारे गार्डन में अवेलेबल होते हैं। कुछ तो पेरिनियल होते हैं, कुछ इस तरह से सीजनल होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका आप बहुत प्यारा सा हैज बना सकते हैं। कोई बिग साइज़ के प्लांट होते हैं तो उनकी काफ़ी अच्छी हाइट वाली हैज बन जाती है, और कुछ स्मॉल हाइट के प्लांट होते हैं तो उनकी स्मॉल हाइट की हैज बनाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट मेरे गार्डन में अवेलेबल हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों से इसकी एक लिस्ट शेयर करूँ कि मेरे गार्डन में कौन कौन से प्लांट हैं जिनकी मैं हैज बना सकती हूँ, और इनमें से देखकर आप भी आइडिया भी लगा सकते हैं कि आपके गार्डन में कौन कौन से प्लांट हैं जिनकी हैज बन सकती है। आज की लिस्ट में सबसे पहला नाम है कॉपर लीफ एक्लिफा। एक्लिफा के प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इसमें ग्रीन कलर की लीफ वाली भी एक्लिफा आती है, और ये कॉपर लीफ एक्लिफा है। इनकी जो लीफ का कलर होता है कॉपर कलर में होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। टाइम टाइम से प्लांट की प्रूनिंग करनी पड़ती है, मन चाहा उसको शेप देना पड़ता है, क्योंकि हैज में भी बहुत अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं वो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो कॉपर लीफ एक्लिफा दिखाया, उसके बाद ये ग्रीन लीफ एक्लिफा भी मेरे पास ऐड है। इनकी जो लीव्स है ना, इस तरह से कर्व हो जाती है, प्यारा सा लुक देती है। इसमें इस तरह से फ्लावर्स भी बन के आते हैं। तो मेरे पास कॉपर लीफ और ग्रीन लीफ दोनों में ही प्लांट अवेलेबल है। खूबसूरत लगते हैं, इसलिए मैंने इनको अपने गार्डन में जगह दी है। तो इन दोनों को ही हैज आप बना सकते हैं। सेकेंड नंबर पे है फ्रेंड बोगनवेलिया। देखिए, बोगनवेलिया में वेरिकेटेड लीफ वाला प्लांट भी आता है, जिनकी ब्यूटी तो अलग ही होती है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो प्लेन लीव्स वाले बोगनवेलिया आते हैं ग्रीन कलर में, वो भी होते हैं। तो इस तरह से अगर आप वेरिकेटेड लीफ या प्लेन लीफ वाले बोगनवेलिया को हैज के रूप में अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो ग्राउंड पे ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और बुशी सा लुक बना लेते हैं। बार बार उसकी प्रूनिंग करके अच्छा सा शेप देना पड़ेगा तो बहुत प्यारा लुक देगा ये। बिना फ्लावर के ही कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो इसकी लीव्स की वजह से ही मैंने इसे ऐड किया है। तो बोगनवेलिया भी अच्छा ऑप्शन है, आप इसे भी अपने गार्डन में एज अ हैज प्लांट ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्लांट है फाइकस बेंजामिन। बेंजामिन का जो प्लांट होता है ना, इसकी भी बहुत प्यारी हैज बनती है। ये भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाला प्लांट है, इजी टू ग्रो होता है, ये ब्रांच से भी तैयार हो जाता है। मैंने इसे पॉट में लगा रखा है, 9 इंच के पॉट में है, और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रखी है। तो बेंजामिन का जो प्लांट है, इससे भी आप हैज बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने खुद इसकी हैज देखी है, बहुत प्यारा लुक देता है। तो उस हैज को देखने के बाद ही मैंने बेंजामिन प्लांट को अपने गार्डन में एज अ बॉन्साई ऐड किया हुआ है। धीरे धीरे इसकी प्रूनिंग करके मैं इसे बॉन्साई लुक दूंगी, लेकिन आप इसकी हैज बनाइए, बहुत ही खूबसूरत लुक देगा फाइकस बेंजामिन का प्लांट। क्रोटन की भी प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। देखिए, मेरे क्रोटन ने कितना बुशी लुक बना रखा है। तो नेक्स्ट प्लांट है क्रोटन। क्रोटन की बहुत सारी अलग अलग वैरायटी आती है। ये देखिए, ये दूसरी वैरायटी दिखा रही हूँ, मेरे पास 6 से 7 वैरायटी है जो कि बहुत बुशी लुक बना लेते हैं कटिंग करने के बाद। और देखिए मेरा प्लांट कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आप सोचिए, अगर इसकी हैज बना के तैयार करते हैं तो कितना प्यारा लुक देगा। अभी तो ये पॉट में लगे हुए हैं, जब ग्राउंड पर लगेंगे तो इस तरह से इसका डबल ट्रिपल बुशी लुक बन के आएगा जब आप इसकी प्रूनिंग करेंगे। तो क्रोटन भी एज अ हैज प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। देख, नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड यूफोबिया ग्रैंडी। यूफोबिया ग्रैंडी का जो लीफ होता है ना, इतना खूबसूरत होता है कि बस देखते ही बनता है। देखिए, मेरे प्लांट ने भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रखी है। ओल्ड प्लांट है, काफ़ी दिनों से मेरे गार्डन में ऐड है, और इसकी ग्रोथ देख सकते हैं आप लोग। जब ये पॉट में इतनी अच्छी ग्रोथ कर सकता है, इतना ब्यूटीफुल लुक दे सकता है, तो सोचिए ग्राउंड पर कितना प्यारा लुक देगा। तो इसे भी एज अ हैज प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है स्टारलाइट फाइकस। स्टारलाइट फाइकस का जैसा नाम है वैसे ही इसकी खूबसूरती भी होती है। इसकी जो वेरिएशन होती है ना, बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। देखिए इस प्लांट को कितना प्यारा लुक दे रहा है। तो मेरे गार्डन में भी बहुत अच्छे से ये ग्रोथ कर रखा है, और देखिए 6 इंच के पॉट में है, इतना प्यारा सा लुक दे रहा है। तो आप इसे भी ग्राउंड पर लगा के एक प्यारा सा हैज बनाएंगे, टाइम टाइम से इसकी प्रूनिंग करेंगे, अच्छा सा शेप देंगे ना, तो बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। तो स्टारलाइट फाइकस को भी आप अपने गार्डन में ऐड करें। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्लांट है दुरांता का।
इसे दुरांता इरेक्टा बोलते हैं। इसमें वेरिगेशन बनती है, खूबसूरत सी वेरिगेशन बनती है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी विंटर सीजन चल रहा है तो इसकी ब्यूटी थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि विंटर में ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है। वेरिगेटेड दिखा रही हूँ मैं, और मेरे पास जो इसका दूसरा प्लांट है गोल्डन दुरांता वो भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसी का दूसरा प्लांट है, ये है गोल्डन दुरांता। मैंने वेरिगेटेड दुरांता दिखाया था, ये गोल्डन दुरांता है। अब इसका जो डॉर्मेंसी पीरियड है वो चल रहा है, तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है, लेकिन देखिए कलर इसका गोल्डन बन के आता है, और जो ओल्ड लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की हो जाती है। इस प्लांट ने भी देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ की थी, लेकिन विंटर स्टार्ट होने से इनकी सारी लीव्स गिर चुकी है। नेक्स्ट समर में फिर से इनमें ग्रोथ हो जाएगी। जितने भी आपको ये ब्रांचेस दिख रही है, ये पूरा ग्रीनिश लुक में आ जाएगा। अभी भी देखिए इनमें छोटी छोटी न्यू लीव्स बन के आ रही है, मतलब धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती रहती है। पेरेनियल प्लांट का यही फ़ायदा है कि सालों साल हमारे गार्डन में बने रहते हैं। देखिए विंटर होने के बाद भी इसमें छोटी छोटी लीव्स बन के आ रही है, जहाँ से ओल्ड लीव्स गिर गई है। और इसमें इस तरह से फलियाँ भी बनती है, देखिए कुछ फलियाँ भी बन रखी है। फूल भी इसके बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो आप गोल्डन दुरांता या फिर जो मैंने वेरीगेटेड दुरांता दिखाया, उस प्लांट को आप अपने गार्डन में एज अ हैज प्लांट ऐड कीजिए, बहुत ही प्यारा लुक देगा। फ्रेंड नेक्स्ट है बॉक्सवुड प्लांट। बॉक्सवुड प्लांट की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली थी, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे, बहुत सारे कमेंट आए थे। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है, पेरेनियल है, काफ़ी हार्डी प्लांट है। इनकी जो लीव्स होती है बिल्कुल प्लास्टिक जैसी होती है, काफ़ी थिक होती है और हार्ड होती है, स्ट्रांग होती है। तो बॉक्सवुड प्लांट को भी आप अपने गार्डन में एज अ हैस प्लांट ऐड कर सकते हैं, प्यारा सा लुक देगा और स्ट्रांग प्लांट है, कभी डाई नहीं होता है। तो इसे भी एज अ हैस प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये सीजेजियम का प्लांट है, सीजेजियम भी बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। देखिए फ्रेंड, विंटर सीजन स्टार्ट होने पर इसमें रेड कलर की लीव्स बन के आती है, और समर सीजन में ये स्लो ग्रोथ करता है। तो विंटर इसका मेन ग्रोइंग पीरियड होता है, और इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी टॉप पे जो लीव्स होती है ना बिल्कुल रेडिश लीव्स में आती है। तो इसे फायर बुश भी बोलते हैं, क्योंकि रेडिश लीव से पूरा जो टॉप हिस्सा है वो भर जाता है। तो सीजेजियम के प्लांट को भी आप एज अ हैज प्लांट अपने गार्डन में ऐड कीजिए। प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ लेडी पाम। पाम में बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन जो लेडी पाम होती है ना, इसकी भी बहुत प्यारी हैज बन के तैयार होती है, क्योंकि डार्क ग्रीनिश लुक में होता है, ग्राउंड पे लगाने पर बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। देखिए मैंने पॉट में ही लगाया है, पॉट में भी इतना प्यारा सा लुक दे रहा है। मैंने इसे प्रोपोगेशन से तैयार किया है। तो आप इनकी ब्रांचेज लेके ढेर सारे प्लांट अगर ग्राउंड पे लगाते हैं, रो तैयार करते हैं, तो लेडी पाम भी एक अच्छा ऑप्शन है आपको एक हैज बनाकर तैयार करने के लिए। तो इसकी भी हैज आप बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड माइक्रोकार्पा फाइकस। फाइकस की मैंने पहले ही बताई बहुत सारी वैरायटी होती है, तो ये माइक्रोकार्पा फाइकस है। इसकी भी हैज मैंने आउटसाइड देखी है, एक वेडिंग पॉइंट पे इसकी हैज बनके तैयार हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा था। ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट है, थिक सी ब्रांच होती है, राउंड शेप में होता है। मैं तो इसकी बॉन्साई बना रही हूँ, देखिए इसकी दो बॉन्साई मैंने बना रखी है, तो अच्छा सा ग्रोथ कर रहा है। बॉन्साई ट्रे में जब इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, तो सोचिए ग्राउंड पे लगा के कितना प्यारा सा ग्रोथ करके आएगा, बुशी लुक बनाएगा। तो आप इसकी कटिंग करके एज अ हैज प्लांट यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रोकार्पा फाइकस भी आप हैज बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड गोल्डन मिल्की प्लांट। इसने तो इतनी अच्छी ग्रोथ की है कि इसे आप किसी भी रूप में अपने गार्डन में ऐड करते हैं ना, तो बहुत ही ब्यूटी बिखेरने वाला है। देखिए इनकी लीव्स कितनी ज़्यादा खूबसूरत होती है, येलो कलर की लीव्स होती है, उस पर इस तरह से डॉट्स होते हैं, एकदम खुश कर देता है ये मन को। तो देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ की इसने, 8 इंच के पॉट में इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो सोचिए जब ये ग्राउंड पर लगेगा तो कितना प्यारा ग्रोथ करके आएगा। तो गोल्डन मिल्की प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है। तो ये थे काफ़ी सारे प्लांट जो मैंने अपने गार्डन से दिखाए। ये सारे प्लांट मेरे गार्डन में अवेलेबल है, कुछ और भी प्लांट है, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन से प्लांट हैज के रूप में तैयार हो सकते हैं। तो इतने सारे प्लांट मैंने आपको दिखा दिए, मुझे यकीन है आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे प्लांट की केयर वीडियो अपलोड है, जिससे आपको गार्डनिंग में सपोर्ट मिलेगा। जल्दी किसी नए टॉपिक पर मैं आप लोगों से मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।